फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सैपीज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक स्वीट डिश रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ, वो है सेवई की। वैसे तो ये बहुत कॉमन है, हर घर में बनती है, बट अगर जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगी आप उस तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट बनती है। और जैसे कि आपको पता है कि अभी सारे त्यौहार चालू होने वाले हैं, तो ये होली में, दिवाली में, रक्षाबंधन में, आप कोई भी त्यौहार में, यहाँ तक कि ईद में भी आप बना के इसे खा सकते हैं। तो आइए चलते मेरे किचन में और बनाते सेवई। सेवई बनाने के लिए हमें सबसे पहला जो चीज़ लगेगी वो है 1 लीटर दूध। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास देसी घी है, ये मेरे पास 1 कटोरी शक्कर है, ये 1 कटोरी सेवइयाँ है, ये रोस्टेड सेवइयाँ जो मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास चिरौंजी दाना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सेवई बनाने के लिए। यहाँ पे मेरे पास कुछ इलायची है जिसे हम छील के कूट लेंगे, ये बादाम है जिसे हम बारीक काट लेंगे, काजू है जिसे हम बारीक काट लेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले हमारी कढ़ाई गरम कर लेंगे। जैसे ही कढ़ाई गरम हो जाएगी इसमें हम हमारे 2 बड़े चम्मच घी के डाल देंगे। दो से आप ढाई ले लीजिए। जैसे ही हमारा घी गरम हो जाएगा हम हमारी ये जो 1 कटोरी भर के सेवई है, रोस्टेड सेवई, इसे डाल देंगे और इसे हम थोड़ा ब्राउन होने तक, यानी कि गोल्डन रेड होने तक भून लेंगे, थोड़ा मीडियम स्लो फ्लेम पे। यहाँ आप देख सकते हैं मेरी जो सेवई अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने हमारी सेवई को एक प्लेट में अलग से निकाल लिया है। अब इसी गरम घी में हम हमारी ये जो चिरौंजी दाने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला लगभग मैंने 2 टीस्पून ले लिया है, इसे डाल देंगे। ये काजू है मेरे पास, इसे डाल देंगे, ये भी लगभग 2 से 2.5 टीस्पून लिया, इसे आप बिल्कुल बारीक काट लीजिए। और ये बादाम है जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। अब ये जो मेवा है इसे भी हमने लाल करना है। इस तरीके से आप घी में इसे तल लीजिए, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ मेरा मेवा भी गोल्डन ब्राउन हो गया है ऑलमोस्ट, हमें बहुत ज़्यादा इसे लाल नहीं करना है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है कि जब आप दूध डालें तब आपका दूध रूम टेम्परेचर में हो तो अच्छा है, बिल्कुल थोड़ा गुनगुना होगा तो चलेगा, बट आप इसे बिल्कुल गर्म ना डालें क्योंकि दूध फटने का चांसेस होता है। अब इस स्टेज पर आके हम हमारा दूध ऐड कर देंगे और ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक तरह से तड़के जैसा इसमें आवाज़ आनी चाहिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं मैंने 1 लीटर दूध इस मेवे में डाल दिया है। जैसे ही हमारे गरम घी में और मेवे में दूध पड़ा तो बिल्कुल अच्छी सी आवाज़ आई। अब हमने इसे मीडियम स्लो आंच पे ही पकाना है, यानी कि आप बहुत तेज़ ना रखिए अपना गैस, आप या तो स्लो रख लीजिए या स्लो से थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं। ये देखिए हमारा जो सेवई का दूध है वो उबलने लगा है। मैं आपको बता दूँ इस स्टेज पे आके, यानी कि दूध उबलने के 5 मिनट बाद, आप इसमें जो कुटी इलायची है इसका आधा इलायची आप अभी डाल सकते हैं ताकि हमारे दूध में इसका फ्लेवर आ जाए, और ये बाकी की इलायची हम ऊपर से डाल देंगे। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये मेरे पास बिल्कुल प्योर सैफरन है जो मैं अपने सेवई में डालूंगी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैं इसके लिए डालती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा उसका स्वाद आ जाता है केसर का, और थोड़ा हल्का सा कलर में भी चेंज आ जाता है। तो अब हम इसे इसी तरीके से उबलने देंगे, इसे आप बीच बीच में चलाते जाइए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे आके मैं मेरा ये जो शक्कर है इसे डाल दूंगी। आप अगर शक्कर कम खाते हैं तो आप आधी कटोरी डाल सकते हैं, शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। शक्कर डालने के बाद हमारा जो ये दूध है थोड़ा पतला हो जाएगा क्योंकि शक्कर भी अपना पानी छोड़ेगा गर्म होके जैसे ही पिघलते जाएगी, तो हमें इसे अभी 5 से 10 मिनट और उबालना है। देखिए शक्कर डालने के 15 मिनट बाद जैसे ही हमारा दूध अच्छे से उबलने लगा, आप देख सकते हैं कलर भी इसका थोड़ा केसरी हो गया क्योंकि मैंने एक पिंच केसर डाला था, बट आप चाहिए तो स्किप कर सकते हैं जैसे मैंने बोला। अब इस स्टेज पे आके हमने जो ये हमारी घी में फ्राई की हुई सेवइयाँ है इसे डाल देंगे। इसे आप अच्छे से मिला लीजिए और अब हम इसे इसी तरह से उबलने देंगे लगभग और 20 से 25 मिनट। ये जो साइड में हमारी जो मलाई जमते जाती है, आप इस तरीके से इसे खुरचते जाइए।
देखिए इस तरीके से, और इसे आप आपके सेवई में डालते जाइए। और बस मैंने अब लास्ट के जो 5 मिनट बचे हैं हमारी खीर को तैयार होने के लिए, यानी कि सेवई को तैयार होने के लिए, हम इसे थोड़ा सा फास्ट कर देंगे ताकि सारा कुछ जो हमारा घी, मेवा, दूध, सेवई सब अच्छे से एकजुट हो जाए। ये देखिए हमारी बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, सेवई बन के तैयार हो गई है। अब इस स्टेज पे आके हमें इसे बंद करना है। हमारी सेवई ठंडी हो चुकी है, थोड़ी गुनगुनी हो चुकी है। अब इस स्टेज पे आके ये जो हमारी इलायची, इसे फैला लेंगे। बहुत ही टेस्टी गर्मा गर्म हमारी सेवई बनके तैयार हो गई है। इसे लगभग मुझे 40 से 50 मिनट लगे बनाने के लिए, और आप इसे ठंडा भी खा सकते हैं। इसे ज़रूर बनाइए और सबको खिलाइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।